जोहार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि समाचार। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पिछले दिनों जमशेदपुर में हुआ संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ में भी किया गया संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद सुवान कंपोजिट 1। अब समाचार विस्तार से। खेती और खेती आधारित कार्यों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड के जमशेदपुर के दारीसाई कृषि विज्ञान केंद्र में पिछले दिनों संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार रखते हुए कहा, अगर किसान भाई या बहन को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और उसको अगर वो कार्य रूप देता है, उससे वो अपनी आय को दुगुना करता है, तिगुना करता है, तो ये हम लोगों के लिए एक संतोषजनक या जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो हमको बढ़ता है और हमारा उत्साह भी बढ़ता है। उन्नत भारत को बनाने के लिए मित्रों, भाई और बहनों, इसमें सबसे बड़ा मील का पत्थर अगर साबित हो सकता है तो हम किसान भाई हो सकते। पूरे देश में आयोजित किए जा रहे संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम से झारखंड का रामगढ़ जिला भी जुड़ गया है। खेती की तरक्की हो, किसानों की गरीबी मिटे, किसान समृद्ध हो, झारखंड और पूरा भारत समृद्ध हो, इसी उद्देश्य को लेकर पिछले दिनों रामगढ़ में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में मौके पर मौजूद जिले के उपायुक्त सुनील कुमार और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वेंदु द्विवेदी ने कहा, इसमें हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम 2022 में एक नए भारत के रूप में हम एकीकृत कृषि प्रणाली पाएंगे, उन्नत जैविक खाद से हम लोग लाएंगे, साथ ही जो फसल बीमा का है उसका लाभ हम लोग उठाएंगे। जो भी किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो लोगों ने आज संकल्प लिया कि वह 2022 तक अपने अपने स्तर से अपनी सेवाएं देश को देंगे और हमारे किसान भाइयों की आय को दुगना करेंगे। मिर्च फसल की खेती कर रहे किसान अपने फसल के बेहतर उत्पादन के लिए खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए मिर्च का बिचड़ा खेत में लगाने के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार निकालने के लिए पहली निकाई गुड़ाई करें। इसके 20 से 25 दिन बाद दूसरी निकाई गुड़ाई करें। किसान भाई, आप यदि बरसात में मिर्च फसल लगाए हैं तो वे अभी बढ़वार की अवस्था होगी। अन्य फसलों की तरह मिर्च फसल वाले खेत में उगने वाले खरपतवार मिर्च फसल के हिस्से का खाद, पानी और पोषक तत्व मिट्टी से अवशोषित करेगा, जिससे मिर्च फसल की बढ़वार में कमी आएगी। इससे बचने के लिए खरपतवार नियंत्रण करें। खेत में बिचड़ा रोपने के 20 से 25 दिन बाद पहली निकाई गुड़ाई करें। इसके 20 से 25 दिन बाद दोबारा निकाई गुड़ाई करें। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी फसल मिर्च की फसल खेत में लगी हुई है तो इस मौसम में खरपतवार बहुत परेशान करती है, तो उसमें है कि आपने बिचड़ा अपने खेत में लगा दिया है, उसके 20-25 दिन बाद आप खरपतवार को निकाल दें और उसके फिर एक बार निकालने के 20-25 दिन बाद दोबारा उस खरपतवार को निकालें, ताकि उसके जो ग्रोथ है मिर्च के पौधे की वो बराबर अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। राज्य के जो किसान रबी मौसम में मक्का की खेती करना चाहते हैं, वे 15 अक्टूबर से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद सुवान कंपोजिट 1, HQPM 1, बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2 या प्रिया लगाएं। रबी मक्का की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों में सुवान कंपोजिट 1 100 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। HQPM 1 110 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा मक्का 1 की परिपक्वता अवधि 85 दिन है और इसकी उत्पादन क्षमता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि बिरसा विकास मक्का 2 75 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। क्रिसेट हो,
व्हील हो, ग्रबर या ग्रबर कम व्हील हो, ये सभी ऐसे कृषि यंत्र हैं जिसकी सहायता से किसान बरसात के मौसम में सब्जी फसल लगे खेतों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसल में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप आरंभिक अवस्था में ही दिखे तो 1 ग्राम बीटी दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2500 रुपए, चावल मध्यम 2600 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 6000 रुपए, गेहूँ 2100 रुपए से 2600 रुपए, चना 5500 रुपए से 6000 रुपए, दाल अरहर 5300 रुपए से 5800 रुपए, दाल मसूर 4200 रुपए से 4700 रुपए, दाल चना 6500 रुपए से 7000 रुपए, सरसों तेल 9150 रुपए से 10500 रुपए, चीनी 4200 रुपए से 4280 रुपए, आलू 600 रुपए से 850 रुपए और प्याज 2600 रुपए से 3000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई नई जानकारी। जानकारियां हमारे पास और भी है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। अच्छा ये बात है। क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, अब बारी है जानकारी की, और आज की जानकारी है धान के फसल में लगने वाले कीट और उसका प्रबंधन। तो अधिक जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
किसान भाइयों, यूँ तो हर फसल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन धान की खास विशेषता है। विशेषता इसलिए कि हम बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं धान की खेती के लिए, और साथ ही साथ इसका रकबा भी बड़ा होता है। तो ऐसे में किसान भाई, किसी भी तरह की कीट से आपकी फसल को कोई नुकसान ना हो, ये हमारी कोशिश है। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान में प्रमुख कीट कौन कौन से लगते हैं और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद अध्यक्ष हैं कीट विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। इस वक्त धान की खेती बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं, पौधे भी बड़े हुए हैं। सबसे पहली बात आती है कि इस वक्त जो किसान भाई धान की खेती, प्रमुख जो कीड़े हैं कौन कौन से लगते हैं इस वक्त? बड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और धान तो प्रमुख भोजन है यहाँ हमारे राज्य के वासियों के लिए। तो प्रमुख कीटों में सबसे पहला बकिया कीट, जो किसान भाई बाकी के नाम से जानते हैं या बोलते हैं। दूसरा है साढ़ा कीट, बहुत जगह साढ़ा कीट को खरका या अगरबत्ती के नाम से भी पुकारते हैं। उसके बाद तना छेदक, भूरा मधुआ, पत्र लपेटक, साढ़ा कीट तो मैं बता ही दिया। उसके बाद गंधी कीट, ये प्रमुख कीट है। इसके अलावा कभी कभी बबनी का भी प्रयोग, मतलब प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। जी, तो कई तरह के कीट लग सकते हैं इस वक्त। लेकिन जैसे शुरू में ही आपने कहा कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता होगा धान की खेती के लिए बकिया या बाकी कीट की आप बात कर रहे हैं, तो बाकी कीट अगर लग जाए तो कितना नुकसान होता है, कैसे पहचाने कि बाकी कीट लग गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसान भाई जानना चाहते हैं, इससे निदान, इसका निदान क्या है? बाकी प्रारंभिक अवस्था अगर देखा जाए, किसान भाई आप सब लोग जानते हैं, प्रारंभिक अवस्था में जब धान रोपते हैं उस समय की बात देखा जाए, तो प्रारंभिक अवस्था में ये जो कीट है, बकिया कीट है, वो कोमल पत्तियों का जो हरित भाग है उसको चाट जाता है। चाटने के कारण पौधे जो है, पत्तियां जो है, वो कागज़ के समान उजला दिखाई पड़ता है प्रारंभिक अवस्था में। और उस समय खेतों में पानी भरा हुआ रहता है, तब इसका आक्रमण अधिक होता है। लेकिन अभी जो पत्तेदार अवस्था है, तो पत्तेदार अवस्था में भी इसका कीट जो है वो ऊपरी भाग, पत्तियों का ऊपरी भाग को काट करके उससे खोल बना लेता है, नली बना लेता है, और उसी नली में ये रहता है। और एक पौधे से दूसरे पौधे पर पानी में तैर करके जाता है और पत्तियों को खाते रहता है। अच्छा, पानी में तैर कर एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच भी जाता है? अच्छा, क्योंकि ये जो कीट है वो जलीय होता है। अच्छा, पानी में रह करके भी पौधे को नुकसान करता है। और उसके बाद कभी कभी तो देखा गया है कि एक कीट जो है वो पत्तियों को या धान के फुनगी को काट करके उसी से नाली बनाता है या खोल बनाता है, और ऊपर का कटा हुआ पत्तियां जो है वो पानी में तैरते हुए दिखाई पड़ता है। तो ये पहचान है कि हम पहचान जाएं कि बकिया कीट इसमें लगा हुआ है। कि जहां जिस खेत में अगर कटा हुआ पत्ता ज्यादा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब है कि बाकी या बकिया कीट का प्रकोप हो गया है। ये तो बात हो गई कि किसान भाई पहचान जाएंगे कि बकिया कीट लग गया है। निदान क्या करें? निदान के लिए अगर संभव है तो 4 से 5 दिनों के लिए पानी जो है वो खेत से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि ये कीट है, जलीय है, पानी में रह करके भी नुकसान करता है, तो पानी अगर बाहर निकालते हैं तो ये उसके साथ एक कीट बाहर चला जाता है। लेकिन जहाँ तक संभव है, क्योंकि पानी का जब अभाव रहता है तो किसान भाई मोह से निकाल नहीं पाते हैं। और दूसरी बात कि दूसरे खेत को भी तो संक्रमित कर सकता है। जी हाँ, सबसे अच्छा उपाय इसके लिए है कि तरल कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तरल कीटनाशक में जैसे डाइक्लोरभोस करीब करीब 10 लीटर पानी में 15 मिलीलीटर या क्विनाल फॉस जी
क्विनाल फोस 10 लीटर पानी में 12 मिलीलीटर का घोल बना करके, और चूंकि 10 लीटर पानी में घोल बना रहे हैं तो 10 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन का पाउडर मिला करके अच्छी तरह से छिड़काव करते हैं छिड़काव मशीन के द्वारा। अच्छा, तो ये काफ़ी प्रभावकारी होता है जी। दूसरा कीट जो हम बात करते हैं वो साढ़ा कीट है जी, जी। तो अगर खेत में साढ़ा कीट लग जाए, किस अवस्था में साढ़ा कीट का आक्रमण हो सकता है? किसान भाई कैसे जाने कि उनके खेत में, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि बकिया कीट लग गया तो ये लक्षण है इस तरह से, तो साढ़ा कीट अगर लग जाए तो वो किस तरह से पहचाने किसान भाई? साढ़ा कीट का प्रकोप तो ऐसे जब हम लोग धान का बीज डालते हैं तो वो जब आपका कम से कम 12-15 दिन का हो जाता है उसी समय इसका उत्पत्ति होती है, लेकिन रोपने के 12 से 15 दिनों के बाद इसका आक्रमण अधिक होने लगता है। और ये जो साढ़ा कीट है इसका नवजात पिल्लू, जब अंडे से पिल्लू निकलता है तो उसको नवजात बोलते हैं, तो नवजात पिल्लू प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों को खुरचकर खाता है, और जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो बढ़वार बिंदु पर ये आक्रमण करता है। बढ़वार बिंदु पर उसके सहारे ये अंदर में चला जाता है और खाना शुरू करता है। खाने के कारण एक प्रकार का क्रिया या प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण वहाँ पत्तियाँ जो है, बढ़वार बिंदु जो है, बढ़ने वाला पत्तियाँ जो है वो अगरबत्ती के जैसा, प्याज की पत्ती जैसा खोखली नली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये मुख्य पहचान है। अगर ऐसा हो रहा है तो किसान भाई समझ सकते हैं कि साढ़ा कीट का आक्रमण हो गया। धीरे धीरे निकलता है धीरे धीरे, और करीब करीब अगर 6 इंच से भी आगे थोड़ा उससे भी बड़ा हो जाता है तो करीब करीब 25 से 1 महीना का समय लगता है। तो अगर हम प्रारंभिक अवस्था में देखेंगे तो ये खरिका या अगरबत्ती की तरह कीट का जो पहचान बता रहे हैं वो दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही प्रारंभ होता है या फिर हम कहें कि धान रोपने के 15 दिनों के बाद से ही इसमें एक दानेदार दवा का व्यवहार करते हैं जी, जैसे कार्बोफ्यूरोन। कार्बोफ्यूरोन दानेदार दवा है, उसका उसकी मात्रा 12 किलो प्रति एकड़। या दूसरी दवा है फोरेट, फोरेट का 4 किलो प्रति एकड़ की दर से खाद जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार करने के पहले उस खेत में 5 सेंटीमीटर पानी होना जरूरी है। अगर खेत में ज़्यादा पानी है तो निकाल देते हैं और मेड़ को अच्छी तरह से बांध देते हैं ताकि बाहर से पानी खेत में अंदर नहीं आवे और अंदर का पानी बाहर नहीं जाए जी। तब उस समय ये दानेदार कीटनाशी जो है उसका प्रभाव अधिक हो जाता है। इस तरह से हम साढ़ा कीट को आक्रमण को रोक सकते हैं, लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था की, प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल। हाँ। लेकिन अगर अभी भी साढ़ा कीट का प्रकोप हो गया हो तो जो दवा भी मैं बताया उसको हम व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा समय निकल जाता है तब हम उसका दवा दूसरा देते हैं। बिल्कुल, यही हम भी जानना चाह रहे हैं। तो अब प्रारंभिक अवस्था की बात करें, बाद की अवस्था में अगर लग जाए तो किस दवा का प्रयोग करेंगे, मात्रा क्या होगी? मोनोक्रोटोफॉस जी, मोनोक्रोटोफॉस 10 लीटर पानी में 15 मिलीलीटर का घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो ये काफ़ी लाभकारी होता है। और दूसरी बात, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि जहाँ भी साढ़ा कीट का आक्रमण हो जाता है उसमें बालियाँ नहीं निकल पाती हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा नुकसान बालियों को नहीं निकलने के कारण होता है। इसके बाद जो अगला जो कीट है वो है तना छेदक कीट, क्योंकि आपने शुरू में ही बांकिया के बारे बताया और फिर साढ़ा कीट के बारे में, फिर आपने इस क्रम में चर्चा की तना छेदक कीट। ये जो तना छेदक कीट है ये इसका आक्रमण कब होता है और कितना नुकसान हो जाता है इससे? तना छेदक का आक्रमण 2 समय ज़्यादा होता है, पत्तेदार अवस्था में और बाली निकलने के अवस्था में। पत्तेदार ये जो तना छेदक है उसका पिल्लू जो है प्रारंभिक अवस्था में जब
धान का गांठ कोमल रहता है तो ये जो तना छेदक का पिलू है वो गांठ में छेद करके अंदर में चला जाता है और उसके अंदर के गुदे को खाना प्रारंभ करता है। खाने के कारण जो बढ़वार बिंदु है वो उसके आधार भाग को जब खा जाता है तो बढ़वार बिंदु जो है वो सूख जाता है, फिर बढ़वार रुक जाता है। जी हाँ जी हाँ। और उसको अगर हम खींचेंगे हाथ से तो आसानी से खिंचाव हो जाता है, ये सबसे बढ़िया पहचान है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था जिसे मैं बताया पतेदार अवस्था में अगर बढ़वार बिंदु रुक जाता है तो उसके जगह पर नई कली निकल जाती है, बहुत सा कलियां निकल जाता है लेकिन वो भी बाद में आक्रंत हो जाते हैं। तो ये तो पतेदार अवस्था में हुआ। लेकिन जब बालियां निकलने लगती है तो बालियां निकलने के समय बालियां जहां से निकलती है जिस आधार से वहां इसका पिल्लू आक्रमण करता है और उसको खा जाता है जिसके कारण संपूर्ण बाली सूख जाती है, या कहें कि संपूर्ण बाली में जो दाना होता है वो खखरी हो जाता है, बिना चावल का हो जाता है। जी, ये इसका और भारी किसान भाइयों को बहुत भारी नुकसान है। ये तो पहचान की बात हो गया, निदान क्या करें इसका? इसके लिए निदान मैंने जो बताया था साढ़ा कीट, वही इसका भी निदान है। प्रारंभ जैसे ही तना छेदक का प्रकोप दिखाई पड़े, अगर किसी खेत में अगर आपको कम से कम 5% नुकसान दिखाई पड़ता है तो ये दानेदार दवा का भुरकाव करते हैं जी। और उस समय तो अगर उसके बाद अगर जरूरत हुआ तो पुनः 25 से 1 महीना के बाद मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव पुनः कर देते हैं ताकि हम आसानी से तना छेदक को नियंत्रित कर सके। बिल्कुल, कुछ इलाकों में गंधी कीट की बड़ी बात आती है, गंधी कीट से भी काफी नुकसान हो जाता है। तो गंधी कीट की पहचान कैसे करेंगे किसान भाई और क्या उपाय होगा इससे बचने का? बड़ा प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा है किसान भाइयों, जो ऊपरी खेत में धान लगाते हैं या आगात धान लगाते हैं उसमें गंधी कीट का प्रकोप ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें बालियां पहले निकल आती है और बालियां जब पहले निकलती है तो वहाँ गंधी कीट का भोजन है। धान में जो दाने बनते हैं उसमें दूध बनते हैं, उसके दूध को ये गंधी कीट जो है वो पी जाते हैं। उसमें दाने में जो दूध बनता है उसमें छेद करके गंधी कीट जो है पी जाते हैं, जिसके कारण वो धान खखरी हो जाता है। ये कीट दाना बनने की अवस्था में आक्रमण होता जब है, जब दूध बन जाता है जी। तो उपाय क्या है इससे बचने का? इसके लिए हम लोग धूल का व्यवहार करते हैं, जैसे कार्बारिल धूल, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। ये घुलनशील पाउडर है, धूल है। लेकिन इसके अलावे मिथाइल पैराथियोन, यह धूल है, इसको पानी में नहीं घोलते हैं। इसकी मात्रा 10 किलो प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करते हैं जी। और भुरकाव जब करेंगे तो सुबह में करते हैं, जब पौधे पर ओस की बूंदे मौजूद होती है तो ये जो भुरकाव जो हम करेंगे सुबह में, ये धूल जो है उसमें चिपक जाता है और जिसके कारण हम गंधी कीट को मार सकते हैं जी। और एक और कीट है भूरा मधुआ जी। भूरा मधुआ कीट का आक्रमण किस तरह से होता है और किस तरह से इसे हम बचाव करें? ये भूरा मधुआ जो है, आजकल भूरा मधुआ का प्रकोप अधिक होते चला जा रहा किसान भाइयों, खास करके जैसे पहले था स्वर्णा धान में, तो स्वर्णा धान में तो भूरा मधुआ का प्रकोप अधिक से अधिक होता है। आजकल उन्नत बीज का व्यवहार हम लोग करते हैं, उन्नत किस्म का व्यवहार करते हैं, तो कुछ धान में ये जो है, चूँकि सघन खेती आजकल हो रही है तो भूरा मधुआ का प्रकोप अधिक हो रहा है। अब भूरा मधुआ का जो बच्चा है, अंडा है, वयस्क है, वो ऊपर में नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये जो पानी का जल का जो स्तर है खेत में उसके थोड़ा सा ऊपर तना में चिपका रहता है, वहाँ अंडा दिखाई पड़ता है,
उसका बच्चा दिखाई पड़ता है, उसका व्यस्क रहता है, वहीं चिपका हुआ रहता है और पौधे का रस चूसते रहता है। रस चूसने के कारण पौधे धीरे धीरे पीला होकर के सूखने लगता है, उसका बढ़वार रुक जाता है, अगल बगल का धान जो है वो बढ़ जाता है और जो ग्रसित पौधा है वो उसका बढ़वार रुक जाता है। बचाव कैसे करें? और खेत में इसका पहचान है, खेत में गोलाकार स्थिति में ये इसका आक्रमण होता है जी, तो इससे हम पहचान सकते हैं। और इससे बचाव करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो अब निकल गया, लेकिन अगर किसान भाई आगे भी ध्यान देने की जरूरत है, पंक्ति से पंक्ति, लाइन से लाइन खेती करें ताकि हवा अधिक लगे, धूप अधिक लगे तो कीड़े मकोड़े की संख्या घट जाती है। और उसके बाद कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो डाई क्लोर भोस करीब करीब 10 लीटर पानी में 1.5 से 15 मिलीलीटर का घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो ये काफ़ी लाभकारी पाया गया। बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे जो एक कीट होता है जिसको बभनी बोलते हैं स्थानीय भाषा में या हिस्प बोलते हैं, तो ये जो कीट है इसका क्या प्रभाव होता है, और काफ़ी संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे क्या निदान है इसका? बभनी कीट जो है हिस्पा के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो वयस्क है वो काला रंग का होता है, भृंग होता है, और इसका जो पिल्लू है, गर्भ है, बच्चा है, शिशु है, वो पत्तियों के दोनों स्तर के बीचों बीच उसमें प्रवेश कर जाता है, पत्तियों के बीचों बीच में, और सुरंग बनाता है, और सुरंग बनाने के कारण हरियाली को खा जाता है तो सफ़ेद पत्तियां दिखाई पड़ती है, और ख़ास करके मध्य सिरा के समानांतर इसका जो उजला जो है वो उजला सिरा दिखाई पड़ता है। तो इसे हरियाली चूँकि खा जाता है तो पत्तियां उजली हो जाती है, भोजन बनाने का शक्ति जो है। तो बचाव के लिए क्या करें किसान? इसके लिए जैसे मैंने बताया मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करेंगे तो उससे हम आसानी से कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, तो किसान भाइयों जैसा कि आपने देखा कि कई तरह के कीट आपके फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर धान के फसल को, जिसमें से सबसे पहले जो हमने बात की बांकी कीट की, फिर साढ़ा कीट या फिर भूरा मथुआ हो या तना छेदक हो या हिस्प हो, ये तमाम कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है और जानकारी की ज़रूरत है। आप जब भी दवा का इस्तेमाल करें तो उससे संबंधित जानकारियाँ हासिल कर लें। अगर जानकारी आपके पास रहेगी तो आप अच्छी तरह से दवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे, और साथ ही साथ संतुलित मात्रा में दवाओं का इस्तेमाल करें ताकि फसल को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। सर, जितने भी तरह के कीड़े लगते हैं इसकी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। सर, आप इस कार्यक्रम आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाइयों आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।